सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल जोन यूट्यूब चैनल को और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट फ्यूचर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू गाइस। हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं दीपक और स्वागत करता हूं आप सभी का टेक्निकल जोन यूट्यूब चैनल में। गाइस, मेरी जो वीडियो है वो काफ़ी लंबे समय के बाद अपलोड होने वाली है और जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास वोडाफोन का सिम है 4G और आपको जो है नेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपका नेट नहीं चल पा रहा है तो उसको हाई स्पीड पे करने के लिए मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताऊंगा। गाइस, ये सेटिंग जो है पर्सनली मैंने अपने फ़ोन में अप्लाई की थी क्योंकि मेरा जो फोन जो ये सिम था ये पहले एयरटेल का था। एयरटेल का जो इंटरनेट है वो बड़ा ही बकवास नेट है, कुछ ना तो उसकी डाउनलोडिंग स्पीड है और ना ही उसकी अपलोडिंग स्पीड, कुछ भी गाइस पेज तक नहीं खुल रहे थे। तो गाइस, मैंने अपने सिम को जो है पोर्ट कराया वोडाफोन में क्योंकि मुझे पता था, मैंने अपनी सिस्टर के फ़ोन में देखा था कि वोडाफोन जो है काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दे रहा था उस फ़ोन में। तो गाइस, मैंने अपना फ़ोन जैसे ही अपने सिम को वोडाफोन में कन्वर्ट कराया तो गाइस मुझे जो है स्पीड काफ़ी कम देखने को मिली, हालांकि मेरा जो है पेज तक नहीं खुला। तो फिर मैंने सोचा अब क्या करूँ, इससे अच्छा तो एयरटेल ही था, उसमें कम से कम पेज तो खुल रहा था मेरा, बट इसमें तो पेज तक भी नहीं खुला गाइस। फिर मैंने कहीं पर जाकर कैसे ना कैसे मुझे कुछ पता चला कि आपको जो है सेटिंग करनी होगी अपने फ़ोन के अंदर जाके। फ़ोन के अंदर जाने के बाद आपको कुछ सेटिंग करनी होगी। सेटिंग करने के बाद गाइस, आप रियली मैं अपने फ़ोन से खुद बता रहा हूँ आपको, मैं दिखा भी देता हूँ। एक दिन में टोटल आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड में मोबाइल की जो यूजेस है, 2 GB नेट जो है मेरे फ़ोन का लिमिटेड है और अपनी जो है गाइस, अगर आपका अच्छा नेट होगा तो आप 2 GB आराम से यूज कर लोगे पूरे दिन में या उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके पास अच्छा नेट नहीं है तो गाइस 1 GB भी ख़त्म नहीं होगा। मेरे साथ यही प्रॉब्लम आ रही थी गाइस, तो मैंने इसको सोल्व किया और सोल्व करने के लिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, आपको अपने फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करनी है। सेटिंग को जैसे आप ओपन करते हैं तो आपको सबसे पहले देखना है आपका जो ये वाला जो फॉर्मेट है डिफ़ॉल्ट 4G 3G सिम कार्ड कौन से पे डिपेंड करता है अगर आपके फ़ोन में डुअल सिम है। अगर गाइस सिंगल सिम है तो वो ओनली वर्क करेगा वोडाफोन पे, अगर नहीं है तो उसे वोडाफोन पे क्लिक कर लीजिएगा और क्लिक करने के बाद गाइस हमारे यहाँ पर काम जो है वो ख़त्म होता है। गाइस, जैसे आपको मोर पे क्लिक करना है, मोर पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है सेलुलर नेटवर्क्स, इस पर क्लिक करने के बाद एक्सेस पॉइंट नेम। अब गाइस आपको देखना है आपका जो क्लिक है वो कौन से पे है, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको क्लिक करना है वोडाफोन कनेक्ट www, इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से काफ़ी सारे फॉर्मेट ओपन हो जाएंगे और इसमें बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं। गाइस, यहीं से हमारा जो नेट है फ़ोन का वो स्पीड ज़्यादा देगा या नहीं देगा यहीं से डिपेंड होता है। गाइस, मैं नॉर्मली सी आपको एक बात बता देता हूँ आपको अपने फ़ोन में करना क्या है। आपको गाइस अपने फ़ोन में मैं बता देता हूँ कहाँ गया, येगा APN प्रोटोकॉल गाइस, इस पर आपको क्लिक करना है और जहाँ तक मुझे पता है आपका क्लिक हो रखा होगा IPv4 पे। इसको चेंज करके IPv4 और /IPv6 पे क्लिक कर लीजिएगा और क्लिक करने के बाद इसे ऐसे छोड़ दीजिएगा। फिर आने आए आपको दोबारा से APN रोमिंग प्रोटोकॉल पे, यहाँ पर भी आपको इसी पे क्लिक करना है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ से इसको सब कुछ होने के बाद और गाइस आपको नॉर्मली सी इसमें सब कुछ ऑटोमेटिक मिल जाएगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे APN टाइप है अगर आपका यहाँ पर खाली डिफ़ॉल्ट लिखा है तो उसको कोमा लगा के SUPLB लिख दीजिएगा। इसको लिखने के बाद गाइस आपको अपना जो है ये सेव करना है और सेव करने के बाद आप दोबारा से अपना जो नेट है वो चला के देखिएगा, आपका जो नेट है मैं गारंटी लेता हूँ गाइस वो एकदम 100% स्पीड पे चलेगा। गाइस, आज मैं आपको इतने ही बताने वाला था, मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो के साथ, तब तक सी यू लेटर, बाय।